स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कोरोजन के बारे में। व्हाट इज कोरोजन? द स्लो ईटिंग ऑफ मेटल बाय द गैसेस एंड वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन एयर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सर्टेन केमिकल कंपाउंड। तो जब आपका मेटल जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है किसकी प्रेजेंस में? गैसेज एंड वाटर वेपर्स जो आपके एयर में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, तो फॉर्मेशन करता है सर्टेन केमिकल कंपाउंड्स का, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कोरोजन। इसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल है आपका रस्टिंग ऑफ आयरन। क्या होती है रस्टिंग ऑफ आयरन आपकी? Fe2O3.xH2O, ये ब्राउन कलर का मास होता है, और इसी तरह से अगर आप और कोरोजन की बात करें तो कोरोजन में जैसे सपोज करो आपका कॉपर का कोरोजन होता है, जब कॉपर का कोरोजन होता है तो क्या बनता है? कॉपर कार्बोनेट डॉट कॉपर हाइड्रोक्साइड, ये कैसे कलर का मास होता है? ग्रीन कलर का। और इसी तरह से जब आपका एजी है, एजी का जब कोरोजन होता है तो ये बनाता है, एजी मेटल ऑक्सीडाइज होके क्या बनाता है आपका? Ag2S, ये कैसे कलर का होता है आपका? ब्लैक कलर का। तो ये आपके कोरोजन के कुछ मैंने आपको एग्जाम्पल बताए। अब हम डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं किसके बारे में? रस्टिंग ऑफ आयरन के बारे में। क्या होता है आपका रस्टिंग ऑफ आयरन में? इट इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ ए स्मॉल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। जब आपका आयरन रस्ट होता है तो किसकी वजह से होता है? एक स्मॉल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनने की वजह से। कहां पर? ऑन द सरफेस ऑफ आयरन। तो अब मैं इसको जरा आपको आयरन का आर्टिकल लेके समझा रही हूं, जरा ध्यान से देखिएगा बेटा। ये हमने कोई आयरन का आर्टिकल लिया है, सपोज कीजिएगा ये उसकी सरफेस थोड़ी सी अनइवन है यहां पर। तो जहां पर आपकी आयरन की सरफेस अनइवन होती है वहां पर आपके वाटर ड्रॉपलेट्स आके कलेक्ट हो जाते हैं। ये वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स कंटेनिंग ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड स्टिक ऑन द, कहाँ स्टिक हो जाते हैं? ऑन द अनइवन सरफेस। एंड किसकी तरह काम करते हैं? एंड एक्ट एज इलेक्ट्रोलाइट। तो यहां पर क्या होती है? एंड इन विच रेडॉक्स रिएक्शन टेक्स प्लेस। रेडॉक्स रिएक्शन मींस एक का ऑक्सीडेशन और दूसरे का रिडक्शन। क्लियर स्टूडेंट्स? ऑक्सीडेशन मींस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और रिडक्शन मींस गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर स्टूडेंट्स? तो आपका यहां पर ये जो अनइवन सरफेस का आयरन आर्टिकल है ये कैसे काम करता है? एज ए एनोड। और आपका ये आयरन ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है किसके फॉर्म में? Fe2 पॉजिटिव के फॉर्म में। और अपने में से कितने इलेक्ट्रॉन को लूज करता है? दो इलेक्ट्रॉन को। तो ये Fe, यहां पर आपका ये अनइवन सरफेस पर Fe इज ऑक्सीडाइज टू Fe2 पॉजिटिव एंड लूज टू इलेक्ट्रॉन। ये रिएक्शन आपकी कहां पर होती है? एनोड पर। तो हम क्या बोलेंगे? एट एनोड पर आयरन एक्ट एज एनोड एंड रिलीज इलेक्ट्रॉन। जो आपके आयरन एटम है वो कैसे काम करते हैं? एज एनोड एंड रिलीज क्या करते हैं अपने में से? इलेक्ट्रॉन। कहां पर? एनोड पर। तो ये जो आपका Fe है ये आपका यहां पर ऑक्सीडाइज हो रहा है किसके फॉर्म में? Fe2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में। अब ये इलेक्ट्रॉन जो यहां पर लूज होते हैं ये आपके जाते हैं कहां? इलेक्ट्रोलाइट में। तो अब इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है? Now these electron participate in reduction reaction. ये electron आपके reduction reaction में participate करते हैं और and combine with H positive ion released from
कार्बनिक एसिड, जो कार्बनिक एसिड एच पॉजिटिव को रिलीज करता है, ठीक है कि नहीं, वो एच पॉजिटिव आयन उन इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेते हैं, गेन कर लेते हैं। अब ये कार्बनिक एसिड कैसे बनता है, इट इज फॉर्म, कार्बनिक एसिड इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ वॉटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर स्टूडेंट्स? अब फिर से मैं बता रही हूं, यहां पर आपका क्या है, वॉटर ड्रॉपलेट्स, उनमें क्या डिजोल्व है आपका, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो आपके वॉटर है ये किसके साथ कंबाइन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, और फॉर्म करते हैं कौन सा एसिड आपका, कार्बनिक एसिड। वॉट इज कार्बनिक एसिड, H2CO3। क्या बनाते हैं आपका, H2CO3, दैट इज कार्बनिक एसिड। ये आपका कैसा होता है, अनस्टेबल। अब ये अनस्टेबल होता है तो ये आपका किसके फॉर्म में स्प्लिट कर जाता है, आयंस के फॉर्म में, H पॉजिटिव प्लस CO3 2 नेगेटिव। अब आपके ये जो H पॉजिटिव आयंस हैं, ये H पॉजिटिव आयंस क्या करते हैं, आपके जो इलेक्ट्रॉन Fe ने लूज किया है उन इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, कहां पर, कैथोड पर। आपका जो बाकी आयरन का आर्टिकल पार्ट होता है ये आपका कैसे काम करता है, एज ए कैथोड। यहाँ पर ये आपके जो एच पॉजिटिव आयंस है ये किसको गेन करते हैं, आपके इलेक्ट्रॉन को, और किसके फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, एच एटम के फॉर्म में। अब ये जो एच एटम आपके बने हैं ये आपके यहाँ पर क्या डिजोल्व होती है, इलेक्ट्रोलाइट के अंदर कौन सी गैस डिजोल्व होती है, ऑक्सीजन। ये जो आपकी ऑक्सीजन गैस होती है एच एटम, उसके साथ कंबाइन करके आपके बनाते हैं वाटर मॉलिक्यूल। तो अब हम अगर रिएक्शन को बैलेंस करें तो यहां पर ऑक्सीजन आपके 2 है और यहां पर ऑक्सीजन आपके 1 है, तो बैलेंस करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, 2 से। तो यहां पर अब आपके एच एटम कितने हो गए, 4, तो यहां एच को कितने से मल्टीप्लाई कर दोगे आप, 4 से। अब देखिएगा तो कैथोड पर आपका एच एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करके एच एटम, फिर वो एच एटम ऑक्सीजन के साथ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से कंबाइन करके एच टू ओ, तो कैथोड पर होने वाली आपकी ओवरऑल रिएक्शन। तो देखिएगा यहाँ एच एटम 4 है और यहाँ एच 1 है, इस फुल इक्वेशन को हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से। तो आपके 4 एच एटम से ये 4 एच एटम क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट, तो आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, 4 एच पॉजिटिव प्लस 4 इलेक्ट्रॉन प्लस O2 गिव्स 2H2O। तो ये आपकी कहाँ पर होने वाली रिएक्शन है, कैथोड पर होने वाली रिएक्शन। तो देखिएगा ये इलेक्ट्रॉन आपके यहाँ से गए, यहाँ पर आपके कौन से आयंस प्रेजेंट हैं, एच पॉजिटिव, कौन से आयंस प्रेजेंट हैं, एच पॉजिटिव। ये इन इलेक्ट्रॉन को जो Fe ने लूज किए उनको गेन करते हैं और किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कन्वर्ट हो जाते हैं, किसके फॉर्म में, H2O के फॉर्म में। क्लियर स्टूडेंट्स? तो एनोड पर आपका क्या होता है, Fe का ऑक्सीडेशन, किसके फॉर्म में, Fe2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। और कैथोड पर आपका क्या होता है, रिडक्शन, किसका, एच एटम का, और क्या ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या बनाते हैं, वो वाटर मॉलिक्यूल। तो आपकी ये हो गई एनोड पर होने वाली रिएक्शन और ये हो गई कैथोड पर होने वाली रिएक्शन। अब यहाँ पर ये जो आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेटअप हुआ है इसमें ओवरऑल रिएक्शन के बारे में अब मैं आपको बता रही हूँ, जरा ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, क्या है आपकी ओवरऑल रिएक्शन। तो सबसे पहले आपकी एनोड पर होने वाली रिएक्शन, एनोड पर आपका क्या होता है, Fe इज ऑक्सीडाइज टू Fe2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। एंड व्हाट हैपन एट कैथोड, कैथोड पर आपने देखा आपके ये जो 4 एच पॉजिटिव आयंस हैं ये 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड व्हाट फॉर्म, वॉटर मॉलिक्यूल। क्लियर स्टूडेंट्स? तो अब आप जरा अगर रिएक्शन को ध्यान से देखेंगे तो एनोड पर Fe2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और कैथोड पर आपके एच पॉजिटिव कितने इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहे हैं, 4 इलेक्ट्रॉन को। तो आपको पता है जब आप नेट सेल रिएक्शन निकालते हैं तो इलेक्ट्रॉन आपके बैलेंस्ड होना चाहिए, तो एनोड पर होने वाली रिएक्शन को आप कितने से मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 से। तो आपके यहां भी 4 इलेक्ट्रॉन यार, यहां भी 4 इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो आपकी क्या बन जाएगी ओवरऑल रिएक्शन, 2Fe प्लस 4H पॉजिटिव प्लस O2 गिव्स 2Fe2 पॉजिटिव प्लस 2H2O। ये आपकी बन गई ओवरऑल रिएक्शन। तो यहां पर जो आपका Fe ऑक्सीडाइज्ड हुआ है Fe2 पॉजिटिव के फॉर्म में, दीज Fe2 पॉजिटिव आयंस, क्लियर स्टूडेंट, दीज Fe2 पॉजिटिव आयन कंबाइन विद ऑक्सीजन एंड फॉर्म Fe2O3।
ये एफ ई टू पॉजिटिव आयन जो आपके फॉर्म हुए हैं ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होते हैं और क्या बनाते हैं आपका एफ ई टू ओ थ्री मीन्स एफ ई टू पॉजिटिव इज फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाता है किसमें एफ ई थ्री पॉजिटिव में। और अब ये जो आपका एफ ई टू ओ थ्री है ये एक्स मॉलिक्यूल ऑफ वाटर को कंटेन करता है या गेन करता है और बनाता है एफ ई टू ओ थ्री डॉट एक्स एच टू ओ। वॉट इज दिस? दिस इज रस्ट और इसका हम केमिकल फॉर्मूला बोलते हैं क्या होता है आपका हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड इज नोन एज रस्ट। ये कैसे कलर का मास होता है आपका ब्राउन कलर का मास होता है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो आज मैंने आपको बताया कोरोजन के बारे में। कोरोजन में मैंने एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल उठाया उसका रस्टिंग ऑफ आयरन और फिर मैंने आपको समझाई रस्टिंग ऑफ आयरन की मैकेनिज्म एनोड पर क्या रिएक्शंस होती हैं और कैथोड पर आपकी क्या रिएक्शन होती है और आपकी ओवरऑल रिएक्शन क्या होती है। अब नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको बताऊंगी फैक्टर अफेक्टिंग कोरोजन एंड द मैथड टू प्रिवेंट द कोरोजन। थैंक यू स्टूडेंट्स।